हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, अ न्यू ब्लॉग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आज है 1 तारीख, 1 जनवरी 2024। सो न्यू ईयर विशेस फ्रॉम एमडी ब्लॉग्स टू ऑल अवर एमडी फैमिली। सो आज हम आए हैं एलसी पे। देखो कितना बड़ा यहाँ पे इन्होंने क्रिसमस ट्री बनाई हुई है, दिख रही है? तो सोचा हम यहाँ पे राउंड लगा के आते हैं। हमारे घर के बाजू में है, एज यू नो, आपने हमारे कुछ मॉर्निंग मॉर्निंग वाले में भी देखा होगा। तो आज हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या अच्छा है, क्या कुछ है। हमने सोचा कुछ नया फूड ट्राई करके देखते हैं, कुछ सोचते हैं। और अपने 50K सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो थैंक यू एवरीवन। आप लास्ट ब्लॉग में देख चुके हो, हमने केक कटिंग करी 50K ब्लॉग की। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आपका प्यार बनाए रखिए, हमें सपोर्ट कीप सपोर्टिंग, ठीक है? एंड शेयर कीजिए आगे, हाँ फटाफट अभी 1 लाख करते हैं। और वीडियो पूरी एंड तक देखा कीजिए, फिर अपना सिल्वर बटन आ जाएगा। लाइक जी, यहाँ पे अभी हम आ गए। देखो यहाँ पे कैलाश पर्वत भी है, वो कैफे लिखा है ना, रेस्टोरेंट है। और इस तरह देखो लाइटिंग पूरा देख रहे हैं, ये यॉट वगैरह खड़े इधर खड़े। ये आगे भी थोड़ा सा है, अभी हम यहाँ से यू टर्न लेंगे, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह अगर कोई आता है तो। बाकी अब आगे जाएंगे वापस यू टर्न लेके, खाना खाते देखते कहाँ खाएंगे, इंडियन खाएंगे या लोग कुछ करेंगे। चलो बने रहिए, मजे लीजिए और आगे मिलते हैं, बाय। ये देखिए पीछे कितना बनाया था, कैमरे से संदीप फोटो ले रही है। इधर भी बना रखा है, ये हिरन है पीछे, गाय के लिए कुछ स्कीम दे रखा है, क्या है मुझे देखने की करके, ये कुछ नया करेक्टर है तो इसका है। और ये देखो इधर ये सब बना रखा है, वो वापस से हम ट्री के पास आ गए, कुछ आगे देखते हैं। अभी ये किसकी लाइन लगी हुई है? अच्छा बोट के लिए लाइन लगी है। ओके, यहाँ से आप बोट ले सकते हो, पर्सनल भी और वैसे भी। ये पूरा अंदर घुमा के लाते हैं आपको, 30-35 ग्राम का। तो जी हम यहाँ पे लोकल रेस्टोरेंट पे आए हैं, यहाँ पे हमने ऑर्डर किया खाना वगैरह, ऑर्डर कर दिया लोकल फूड। हमने ऑर्डर किया है मुतबल हमस, एंड क्या ऑर्डर किया हमने, और वो बुलेट्स फलाफल तो वो भी बोला है, फ्रेंच फ्राइज भी बोली है, तो ज़्यादा नहीं हो गया खाना। तो जो ऑर्डर आ गया अपना, ये था कोल्ड मज़ा, ये फलाफल बुलेट्स, फ्रेंच फ्राइज और ये ब्रेड। फटाफट खाना खाते हैं फिर आपको फीडबैक देते हैं कैसा है खाना, ठीक है? चलो बाय। देखिए अर्शी में हम लोग अभी खा रहे थे बैठ के होटल में, तो पटाखों की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे हर दिन पटाखे फूटते हैं, अब मैं इस तरफ हूँ और पटाखे उस तरफ फूट रहे हैं, इसलिए आपको इतना ही दिखा पा रहे हैं। उस तरफ से और अच्छा व्यू आ रहा है, बिल्डिंग के ऊपर से व्यू दिख रहा है पटाखे। पहली बार देखा अमित मुझे बता रहा था, और सही है ज़बरदस्त बना रहा था आज उसको। चलो मैं खाना खाती हूँ, बाकी आई थी, मेरा ऑलरेडी हो गया था खाना और मैं बोला जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं ना बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको कैसा व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे चौकीदानी भी थी, पहले हम लोगों ने सोचा था चौकीदानी चलेंगे, फिर मैंने बोला यहाँ का कुछ स्पेशल खाते हैं अलग, तो फिर अमृति फूड खाने लग गए हो। देखो हो गया फाइनली
और अच्छे दिख रहे थे उस तरफ से देखते ना, और अच्छे लगते हमें, बट यहाँ से भी अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है, कैफे वगैरह। खाना हो गया हमारा, खाना अच्छा था, फायर वर्क देखा आपने कितना अच्छा फायर वर्क होता है यहाँ। फिलहाल इस मौसम में, सीजन में डेली होता है, वो डी एस एफ चल रहा है शायद शॉपिंग फेस्टिवल, तो उस टाइम पर डेली फायर वर्क करते लोग रास्ते में आ गए। और यहाँ पे चौकी धामी भी है, यहाँ आगे चौकी धामी का रेस्टोरेंट। चलो आगे दिखाते कुछ खास रहेगा आपको। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करनी है तब आ सकते हो, यहाँ पे परफ्यूम वगैरह, लेदर जैकेट्स, लोकल कपड़े, हर चीज़। हाँ अभी सीज़न चल रहा है ना, देखो न्यू ईयर पे तो बहुत भीड़ हो जाती है। हाँ तो अभी रात को फिर लोग निकलते हैं ना खाना वाना खा के, और जो टूरिस्ट है वो तो अभी शाम को फ्री होते हैं, उसके बाद फिर यहाँ आते हैं, तो इसलिए। ये देखो यहाँ पे दरी वगैरह सब मिलती है, मोचड़ी वगैरह भी, इंडियन कपड़े भी मिल जाते हैं। ये वो टर्किश आइसक्रीम, वो लड़की आइसक्रीम लेके खड़ी है खाली, और उसमें डांस कर रहे हैं। इस तरीके से लगा रखा है यहाँ पे। एक कोस्टा कॉफ़ी भी है, कोस्टा कॉफ़ी है आगे, आपको वो भी दिखाएंगे, वो कोस्टा कॉफ़ी पीछे, स्टारबक्स भी आगे। अभी अगर आपको दिखाते हैं स्टार बक्स आएगा वो भी दिखाएंगे, और चौकीदारी भी दिखाएंगे। देखो यहाँ पे स्टार बक्स भी होना रखा है, फोटो वोटो ले रहे स्टार बक्स खड़े हो गए। अनोखी अगेन दुबई लाइट्स, द अनोखी, ये अनोखी लेकिन मेरे को मिला नहीं उस पर। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है अभी, देखो ये लिखा है ना दुबई शॉपिंग फेस्टिवल। तो इस टाइम पर बहुत सारी जगह पर फायर बक्स होते हैं, यहाँ पर होता है, हल्सीफ में मरीना में होता है, यहाँ पर हर दिन फायर शो भी होता है, प्लस कुछ जगहों पे ड्रोन शो भी होता है। ये देखिए यहाँ पे भी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं आप। ये वाले की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे भी लोकल फूड है, कोनाफा जो है वो इधर ट्राई कर सकते हैं। करना है मीठे में है वो। ये देखिए संदीप, ये दिस इज कोनाफा लोकल स्वीट्स, ये कोनाफा करना ट्राई, चेस्टनट मक्का। और वहाँ पे ना एंटिक्स मिलते हैं, पुराने एंटिक्स, ये शॉप मैंने दिन में भी दिखाया है वैसे। ये देखो यहाँ पे ये मसाले की दुकान होगी, और ये लोकल वो जो पॉट्स होते हैं दिखाने के लिए, खाली चार चार ड्रम वाले पर्स भी मिल रहे हैं, ये आपको कपड़े भी मिल रहे हैं, सब ये मिल जाते हैं। ये शायद के बहुत सारे टाइप होते हैं, वाइट शायद अगर आप लोगों ने देखा होगा, बाकी सारे शायद मिलेंगे। हाँ नहीं, ये देखो एंटिक की शॉप में बोल रहा था ना कि भी आएगी, एक एंटिक की एक और शॉप आ गई है, ये डिश स्वीट्स लोकल स्वीट्स, एंड यहाँ पे एंटिक्स पुराने, ये सब मिलता है पुराना। ऑफकोर्स ये एक मंदिर ज़्यादातर पुराना ही होता है इसमें माल, बाकी एंटिक से तो कोई चीज़ पुराना ही होगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं सुबह। ये रेस्टोरेंट है, स्मार्ट पुलिस स्टेशन, यूएई में बहुत फेमस होते हैं ना। ये देखो वीडियो बना रही थी ना, उसमें बोला था अच्छा। ये अनोखी देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा लगा रखा है, देख रहे हैं अनोखी। तो ये देखो ये अलसीफ वो है जो है वो पीछे, अलसीफ का पूरा एरिया पीछे रहेगा। अब यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पे ये शिप्स वगैरह हैं इनकी, नेवी वगैरह के शायद, ये मराइन ऑपरेशन सपोर्ट सेंटर। तो यहाँ से होते हुए आप निकलते हो आगे तो मंदिर आता है, और उस तरफ जो देख रहे हो आप ये जो बोट चल रही है, एक एक तरफ दूसरी साइड में छोड़ती है आपको, वहाँ पर गोल्ड शॉप है दूसरी साइड में, वहाँ एंड वो एमिरेशन बीडी का हेड ऑफिस। तो इस तरफ जाने के लिए आपको ये बोट ले सकते हो, ये आगे से मिलेगी आपको मंदिर के बाहर आगे जाके, आगरा बोलते हो जगह को, बैंक ऑफ बड़ौड़ा के अपोजिट में, बैंक ऑफ बड़ौड़ा की बड़ी बिल्डिंग है उसके जस्ट अपोजिट में, वहाँ से एक ड्रम में बोट यहाँ से उठाएगी आपको दूसरी साइड में छोड़ देगी। वहाँ पर दो स्टॉप हैं इसके, एक बनिया स्क्वायर के आसपास और एक गोल्ड शॉप के सामने, तो गोल्ड शॉप जो बड़ी मार्केट है गोल्ड की वो उस तरफ है। ये देखिए ये बोट इस तरीके से आती है, एक एक ड्रम में बैठा के लेके जाते हैं, एक एक ड्रम में, ये देखो ये बोट इस तरीके से बैठ के ले जाते हैं।
ये एक एक ग्राम में छोड़ देता आपको 30-35 ग्राम लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ से उठाएगा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा दिख रहे हो, बैंक ऑफ बड़ौदा की बिल्डिंग है, वहाँ से उठाएगा, वहाँ ले जाके वहाँ ड्रॉप करेगा आगे। एक तो यहाँ पे भी है ड्रॉप ये सामने, और एक फिर वो वहाँ आगे है। ये बड़ी क्रूसी पाती है, 50-55 ग्राम लेता है। अब शायद महंगा होगा, सीज़न चल रहा है तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको खाना वगैरह सब मिलता है अंदर, और वो शो वगैरह भी दिखाते हैं, डांस वगैरह, लोकल डांस, खाना उसके अंदर इंक्लूडिंग होता है। वो 55-60 ग्राम पहले होता था, अब शायद सीज़न है तो मैक्सिमम 100 ग्राम तक का होगा। दिखा चलो मंदिर भी पहुँच गए सामने, तो मंदिर दिखाते हैं आपको। ये मंदिर है, बाहर बहुत भीड़ थी, अब भीड़ ख़त्म हो गई है, 9 बजे बंद होने का टाइम है। कैसे भाई, देखो मंदिर के दर्शन। जय हो भोलेनाथ, हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखो मंदिर, भोलेनाथ। ये देखो जय हो साईं बाबा, साईं बाबा की जय। मंदिर भोलेनाथ मंदिर ही बाबा। चलो जी बाबा जी के दर्शन कर लो। ये ऊपर गुरुद्वारा है मंदिर के ऊपर ही, फर्स्ट फ्लोर पे, जैसे कि आप पहले देख चुके हैं। अभी क्लोजिंग टाइम है, 9 बजे बंद हो जाता है, 9:30 हो गए ऑलरेडी। आज न्यू ईयर इसलिए थोड़ा लेट रखा है। चलो दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ 200 गुरुओं की तस्वीर लगा रखी है, विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑल द गुरुज। 10 गुरु ये, हाँ ओके। और यहाँ पे ये है नीचे अंदर गुरु गोबिंद साहिब जी को, यहाँ पे सुख, अब तो सुखासन हो गया उनको शायद, सुखासन हो गया मत टेक सकते हैं। ओके ये देखिए अंदर है, अरे मंदिर दर्शन भी करते हैं, कैसे लगे बताइए। बाबा जी के दर्शन आ गए, उसके अभी उस टाइम पर भीड़ थी, इसलिए हम लोग आगे चले गए थे, और अभी वापस आ गए। चलो मिलते फिर, एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए, मिलते फिर निकलते हैं। ये सब मंदिर की शॉप्स हैं यहाँ पे, अब पता नहीं इनका क्या होगा, क्योंकि 3 जनवरी से मंदिर शुरू होने वाला है। इन शॉप्स का क्या होगा, दोनों क्या प्लानिंग है क्या नहीं। 3 जनवरी लास्ट डेट है यहाँ पे, जब वाला डी शिफ्ट कर देंगे, ऐसे बोल रहे हैं, बट लग सी कैसे होता है। देखो इस तरीके से बड़ी लाइन लगी हुई थी, बैरिकेड्स उसी के हैं, अब तो सब क्लियर हो गया। हम जब उस टाइम पे आए थे सारी इसमें भीड़ थी, अभी 2 घंटे में सब क्लियर हो गया, इसलिए हम आगे चले गए थे कि आगे जाके आते हैं, फिर उसके बाद आगे दर्शन करेंगे। बाबा जी के दर्शन भी हो गए, घूमना फिरना भी होगा, खाना भी लोकल फूड दिखा दिया आपको। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट भी करें। अब संदीप ने लिया शेयर टी, कैसा संदीप शेयर टी? बबल टी लिए इसने, इसके अंदर ये कोई फ्लेवर भी थी तारो करके, जो फिलिपिनो ज़्यादा पीते हैं, ये बोले अच्छा रहता है इसको, इसका टेस्ट शायद अच्छा भी लगा होगा। वहाँ पर दूसरे फ्लेवर्स भी थे, मैंगो वैंगो ये, तो अभी निकल रहे, जा रहे अभी घर से, ग्रोसरी भी लेनी थी, बड़ी देखते हैं ग्रोसरी के भाव भी दिखाते हैं आपको आज, अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे कैसे क्या भाव मिलता है। तो जी ये है चोइत्रा, यहाँ पे इंडियन सारा सामान मिल जाता है, तो दिखाते हैं हम आगे, तो कुछ थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं घर का। ये देखो ये मिल्क के पैकेट्स इस तरीके से डब्बे आते हैं, ये है 12.95, ये 2 लीटर का है, और ऊपर वाला 1 लीटर का 6 ग्राम, विच इज़ 120-150 के आसपास 1 लीटर। अलग अलग बैन वगैरह हो गया, ये चीज़ वगैरह, बटर वगैरह, वो सब हो गया, ये फ्रूट्स वगैरह हो गए इधर, फ्रूट्स मैं आपको बताता हूँ आगे। ये देखो नारियल पानी यहाँ पे मिलता है, श्रीलंका वाला है, 4.95, मतलब 100 रुपीज़, 120 के आसपास अभी अभी के रेट के हिसाब से। और ये हो गया आपके, लिखा तो है सब पे, यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए, जैसे कि ये घिया हो गई 10 ग्राम की पर केजी, और ये पैक के हिसाब से भिंडी 8 ग्राम, हर चीज़ के लिए भिंडी, इधर भी है और इधर भी है, जिंजर अदरक, ये इंडिया वाली गाजर, इंडिया वाली गाजर है 3.95, बैंगन का भरता बनाएगी संदीप, ये हरी मिर्ची, मक्का, इस तरह फ्रूट्स है, फ्रूट्स अगर आप देखोगे लीची 16 ग्राम का पर केजी, और ये हो गए तेरे ऑरेंज 4 रुपये किलो, ये मैंडरिन पाकिस्तान का, ऑरेंज में बहुत सारी चीज़ें आती है, मैंडरिन ऑरेंज अलग अलग,
ये एप्पल 12 दरम का पर केजी। तो इस तरीके से ये इधर भी फ्रूट्स हैं, केला भी, केला यहाँ पर केजी के हिसाब से मिलता है। ये 10, ये देखो ये वाला 10 का है, बनाना भी ये 9 का है, ये 9.95 लीची केला जो होता है वो, और ये 7.95 सब अलग अलग रेट। और ये पीछे स्ट्रॉबेरीज भी हैं और यहाँ पे फ्रूट और भी हैं। देखो एप्पल कितनी वैराइटीज़ मिलती हैं, 13-14 से लेके 12-10-8 नीचे की तरफ आते जाओगे तो फ्रूट्स कम। और यहाँ पे ये हो गया आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, और ये अपना सेक्शन नहीं है, एग्स हो गया। यहाँ पे भी वाइट ग्रेप्स इंडिया, ये वाइट ग्रेप इसको बोलते हैं ग्रीन वाले में। तो ये सब है सब्जी वगैरह के भाव यहाँ पे, अलग आलू कांदा का भी भाव है, ऐसा भाव है। देखो आलू यहाँ पे है 4 ग्राम का पर केजी, 4 ग्राम मतलब आप कैलकुलेशन कर लेना 22.5 का रेट है अभी। ये पाकिस्तान की प्याज है 6.5। तो इंडिया पाकिस्तान के सारे आइटम मिल जाते हैं। ये पत्ती वाली कोई भी जुट्टी लो 1 ग्राम की, 1 ग्राम मतलब 22.5 रुपये। तो इस तरीके से भाव था वहाँ पे। मिठाइयाँ हैं, ग्रोसरी भी पूरी मिल जाती है, आटा वगैरह दिखाता हूँ आपको क्या भाव है आटे का। एंड अभी तक अगर यहाँ आ चुके हैं तो इट मीन्स आप वीडियो एंड तक देख चुके होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कैसे लग रही है अभी तक की सीरीज़ को सजेशन करता आप उसके अंदर डालिए, सजेशन सर ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।